नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर कह दी ये बात। उपेंद्र कुशवाहा ने किया दावा, जदयू पार्टी में होगी टूट, रोक सको तो रोक लो। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतपाल को लेकर कही ये बात। बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। कर्नाटक चुनाव में बिहार के संजीव सिंह को कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर की सौंपी जिम्मेदारी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुब्रमण्यम स्वामी ने नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर कह दी ये बात। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि वे बहुत ही बुद्धिशाली इंसान है, पढ़ा लिखा है। मैं उसको मजाक में कहता हूँ कि तुम राष्ट्रभक्त हो परंतु तुम राष्ट्र के हित में नहीं हो, तो वो मुझसे पूछते भी है कि इसमें फर्क क्या है, तो मैंने कहा कि तुम किसी दुश्मन के पक्ष में नहीं हो लेकिन जैसा हमारा देश बनाना चाहिए उसके विरोध में हो, लेकिन वो अपने वोट बैंक बनाने को लेकर ऐसा करते ही रहता है, तो इस मामले में उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वही विपक्षी नेता की एकता और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश का मुझसे मधुर संबंध रहा है। वहां नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार वाली बात पर उन्होंने कहा कि नीतीश ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वे मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, तो मैं उनसे बिना पूछे कैसे बोल दूं, इसलिए जब आज मैं उनसे मिलूंगा तो कहूंगा कि क्या मदद चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। आज राहुल गांधी ने खाली किया अपना आधिकारिक बंगला। शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास को खाली कर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राहुल गांधी अपना सारा सामान ले जा चुके हैं। मालूम हो कि मोदी उपनाम को लेकर जब वे दोषी साबित हुए थे उसके बाद उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 22 अप्रैल तक उन्हें परिसर खाली करने को कहा गया था, जिसे लेकर उन्हें अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा। बता दें कि यह बंगला उन्हें सांसद के रूप में आवंटित हुआ था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय को 12 तुगलक लेन बंगला सौंपेंगे। सुशील मोदी ने ईद की बधाई देते हुए कही ये बात। मुस्लिम समुदाय के लोगों को राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ईद की बधाई दी है। बधाई देते हुए उन्होंने अपील किया है कि समाज उन तत्वों से सावधान रहे जो वोट की राजनीति के चलते किसी अपराधी माफिया को शहीद बताकर अमन चैन की तहजीब को खतरे में डालते हैं। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के माफिया अतीक अहमद की हत्या बिहार में सामाजिक सौहार्द मिटाने का बहाना न बने, इसके लिए समाज और सरकार को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि रामनवमी के बाद ईद पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। सत्यपाल पर सीबीआई का नोटिस भेजने पर कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले को लेकर दिए गए बयानों के बाद सही चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल मलिक द्वारा पुलवामा हमले के लगभग 4 साल बाद कई छुपी हुई जानकारी साझा की गई थी। जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे इससे केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ गई, लेकिन अब सीबीआई ने पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक को 2 पुराने मामले में नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस मिलने के बाद कई बड़े नेता अब सत्यपाल मलिक के समर्थन में आ गए हैं। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इन्हीं में से एक है। दरअसल उन्होंने मलिक पर नोटिस भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार को कायर कह दिया है। वहीं केजरीवाल ने मलिक के समर्थन में कहा है कि पूरा देश आपके साथ है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर साधा निशाना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो वाली बात शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कही गई है। गहलोत के इस बयान को सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से हमला माना जा रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार संबंधी मामले में राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता पर सचिन पायलट अक्सर सवाल खड़े करते रहते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए उन्हें एक सुनिश्चित दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही पायलट पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आग लगाना आसान है लेकिन बुझाना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM चीफ ओवैसी को बिहार में मिला बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर से बिहार में तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक कमरूल होदा, जिन्होंने बिहार में AIMIM का खाता खुलवाया था, वे आज RJD में शामिल हो गए हैं। RJD के साथ होदा के अलावे उनके कई समर्थक भी आ चुके हैं। मंत्री शहनवाज आलम द्वारा उन्हें RJD की सदस्यता किशनगंज में स्थित सर्किट हाउस में दिलवाई गई है। ऐसे में जो वैसी अब तक बिहार के सभी सीटों से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे उन्हें बड़ा झटका मिला है। बता दें कि शुक्रवार को RJD का दामन AIMIM के पूर्व विधायक कमरूल होदा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा।
उपेंद्र कुशवाहा ने किया दावा, जदयू पार्टी में होगी टूक, रोक सको तो रोक लो। जब से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे हैं, तब से वे विपक्षियों को सीधे तौर पर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना और एनडीए समेत कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुशवाहा द्वारा बयान दिया गया है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, वे हारी हुई बाजी लग रहे हैं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें अकेले नीतीश कुमार को फायदा नहीं होगा। जातीय जनगणना को लेकर हमने भी आवाज उठाई थी और सभी पार्टियों के द्वारा यह तय किया गया था, वहीं अगला सीएम कोयरी ही होगा वाला बयान जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से सामने आया, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जाति के आधार पर सीएम पद का उम्मीदवार बनाना जाना ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जदयू को चुनौती देते हुए दावा किया है कि जदयू पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, रोक सको तो रोक लो। कांग्रेस विधायक ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग बिहार के बक्सर सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है। बता दें कि राजधानी पटना में अंतिम नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के नारे दिखने को मिले। वहीं आनंद मोहन को लेकर संजय तिवारी द्वारा कहा गया है कि वे कोई अपराधी नहीं है, वे एक बड़े नेता है, वे बिल्कुल निर्दोष है। अदालत पर पूरा भरोसा दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि इस कानून में संशोधन के कारण एक निर्दोष नेता बाहर आएगा। आरसीबी सिंह ने नीतीश लालू मंडल पर कसा तंज। पिछले 33 सालों में विकास के नीतीश लालू मॉडल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीबी सिंह ने निशाना साधा है। दरअसल उनके द्वारा कहा गया है कि यह दूरदृष्टि की कमी ही है जिस वजह से बिहार में आज तक एक भी 5 सितारा होटल नहीं है। साथ गया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां हर साल लाखों लोग पिंडदान करने जाते हैं, नालंदा जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, पट्टा जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, बेतिया और मुंगेर जो ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल है, वहां कोई 5 सितारा होटल नहीं है। वहीं बिहार पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा संभावना है, साथ ही रोजगार देने का अवसर भी है, लेकिन दूरदृष्टि की कमी के कारण पिछले 33 सालों में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदेश में एक 5-स्टार होटल तक का निर्माण नहीं हुआ। कर्नाटक चुनाव में बिहार के संजीव सिंह को कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर की सौंपी जिम्मेदारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बिहार कांग्रेस के पूर्व सचिव संजीव सिंह बनाए गए हैं, जहां उन्हें पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित चारों मीडिया सेंटर के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि फिलहाल वे पार्टी के चीफ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्यरत हैं। साथ ही इससे पहले वे पार्टी के लिए यूथ कांग्रेस और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहने वाले संजीव सिंह बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतपाल को लेकर कही ये बात। पंजाब में खालिस्तान लहर नहीं है वाली बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को कही गई है। उन्होंने कहा कि भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने की कोशिश जारी है, केंद्र लगातार इस स्थिति पर नजर बनाई हुई है। पंजाब सरकार को लेकर अमित शाह ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है और केंद्र ने सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन वह अपनी गतिविधि को आगे नहीं बढ़ा सकता। वहीं भारतीय उच्चायोग वाली बातों पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भारतीय उच्चायोगों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय कानूनों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बेंगलोर में अमित शाह एक मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। आनंद मोहन से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन के साथ नीतीश ने अन्याय किया है, उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में संशोधन किया गया है। ऐसा करके नीतीश को लगता है कि वे अपनी गलती सुधार रहे हैं, लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इतने दिनों तक आनंद मोहन जेल में बंद कैसे रहे, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। साथ ही नीतीश सरकार पर साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, दहशतगर्द अतीक अहमद को अतीक जी कहकर बुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बढ़ती जनसंख्या और सत्यपाल मलिक मामले पर कही ये बात। चीन की आबादी को पीछे करते हुए भारत पूरे विश्व में नंबर एक पर आ गया है। जनसंख्या को यूं बढ़ते चला देश में सीमित संसाधनों पर परेशानी का सबब बन गया है। अब इस मामले को लेकर पटना आए पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कहा गया है कि देश पर जनसंख्या नियंत्रण कानून थोपना सही नहीं है। यदि आर्थिक प्रगति बढ़ती है तो जनसंख्या के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने
कोशिश की थी लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाई। वही सत्यपाल मलिक पर सीबीआई द्वारा भेजे गए समन पर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मलिक बहादुर है, सीबीआई के सभी सवालों का वे जवाब देंगे जो सीबीआई उनसे पूछेगी, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि पुलवामा अटैक पर खुलासा करने के बाद ही सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। आगे उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें किसी और मामले पर बुलाया है। बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब से उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मुलाकात कर पटना लौटे हैं तब से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश और विपक्षी एकजुटता पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जदयू का बयान भी सामने आया है। दरअसल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपने निजी फायदे के लिए सबको बदनाम करते रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना महत्व खुद से समाप्त कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई वजूद नहीं है, वे बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। अभी वे फिलहाल अमित शाह के स्क्रिप्ट पर एक्ट कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता ने मोहम्मद बोध पाठ का आयोजन करते हुए सीएम योगी को लेकर कह दी ये बात। मोहम्मद बोध पाठ का आयोजन जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर किया। इस आयोजन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिस्सा लेते देखा गया। अपने आप को पार्टी प्रवक्ता ने नाथ संप्रदाय का बताते हुए कहा कि मैंने भी दीक्षा ली है। इस संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद ही मोहम्मद पाठ पढ़ने को कहा जाता है, वाली बात भी उन्होंने कही। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री की चर्चा करते हुए कही कि योगी आदित्यनाथ भी मोहम्मद बोध पाठ पढ़ते होंगे, भाजपा के नेताओं को भी पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि वे भी मोहम्मद बोध पाठ पढ़ते हैं। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है विजय कुमार, पिट्टू कुमार राज, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अशोक कुमार, शिवानी कुमारी, प्रिंस राज, सुरेश ओरम, अंशुप्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि वे बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।